इस वक्त अंजड़ से एक बड़ी खबर यह है, जहां एक शिक्षिका के पति ने अपने किराए स्थित मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पति उस वक्त घर पर अकेला था, जब पत्नी वापस लौटी तो दरवाजा नहीं खोलने पर उसने डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 कर्मियों द्वारा जब दरवाजा तोड़ा गया तो पति की लाश पंखे स्थित फांसी के फंदे पर लटकी थी। ज्यादा जानकारी बात करते हैं हमारे संवाददाता सुनील भावसार से। सुनील जी बताएं क्या है पूरा घटनाक्रम। जहर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये शिक्षक कॉलोनी में एक मतलब अनिता सिंह चौहान जो है वो एक शिक्षिका है और ग्राम मनवाड़ा में वो पदस्थ है। उनके पति उनके साथ में यही शिक्षक कॉलोनी में रहते थे और पत्नी अपने मायके खरगोन गई हुई थी और पति से करीब उन्होंने 5 बजे बात करी थी। पत्नी पति दोनों की बात हुई थी और पति ने उनको बुलाया था कि आप घर आ जाइए, और जब वो घर आई पत्नी तब वो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने 100 डायल और पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने के बाद उनके पति की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। क्या पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर सुनील जी? पुलिस का कहना अभी कुछ अभी अज्ञात कारणों पड़ोसियों के अनुसार ये शराब के आदित है और कुछ काम धंधा नहीं करते थे, और अभी पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है। अभी फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उनका अंतिम संस्कार ग्राम मंडला में किया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी ने हमें बताया कि पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। वहीं आस पड़ोस के लोगों के अनुसार मृतक शराब के आदि थे और काफी समय से बेरोजगार थे।